दोस्तों, मक्का मदीना पूरी दुनिया में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा पवित्र तीर्थस्थल है। मक्का में स्थित पवित्र काबा की परिक्रमा करके हर मुस्लिम लोग खुद को खुशकिस्मत मानते हैं। यही वह स्थान है जहां हज यात्रा संपन्न होती है और दुनिया के कोने कोने से मुसलमान इस पवित्र जगह पर पहुंचते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है फ्रेंड्स कि मक्का मदीना में गैर मुसलमानों का जाना निषेध क्यों है? आइए आज के अपने इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, इस्लाम का जन्म सऊदी अरब की धरती पर हुआ, इसलिए मक्का मदीना इस देश की धरोहर है। मक्का पहुंचने के लिए रूट ए जेदा, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह होने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई केंद्र भी है, जेदा से मक्का मदीना जाने वाले रास्ते पर यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि यहाँ मुसलमानों के अलावा कोई नहीं जा सकता है। यहाँ के अधिकतर साइन बोर्ड अरबी भाषा में लिखे हैं, जिसे काफी देशों के लोग पढ़ नहीं पाते हैं। पहले यहाँ पर लिखा जाता था कि यहाँ काफिरों का प्रवेश वर्जित है, लेकिन अब यहाँ गैर मुसलमान शब्द काम में लिया जाता है। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि यहाँ पहले भगवान शिव का शिवलिंग था, इसे बाद में मुस्लिम तीर्थस्थल में बदल दिया गया। लोगों की माने तो यहाँ पहले मक्केश्वर महादेव का मंदिर था, वहाँ काले रंग का एक खंडित शिवलिंग था जो आज भी वहाँ मौजूद है। हज यात्री उसी पत्थर को छूते हैं और चूमते हैं। मक्का के लिए प्रसिद्ध इतिहासकार पीएल हॉक ने अपनी किताब में लिखा है कि वेंकटेश पंडित द्वारा रचित रामावतार चरित्र में मक्केश्वर महादेव का उल्लेख किया गया है, जो रामायण के दूसरे किसी संस्करण में नहीं मिलता। दोस्तों, मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना जन्नत का दरवाजा माना जाता है। हर मुस्लिम अपने जीवन में कम से कम एक बार वहां जाने की ख्वाहिश रखता है। कहा जाता है कि वहां पर भी कुछ हिंदू रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, हालांकि वहां ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और चलिए अब आपको बतलाते हैं कि मुस्लिमों के पवित्र धार्मिक स्थल मक्का मदीना के अंदर क्या है। दोस्तों, मक्का की आधारशिला आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा की गई थी। यह बाहर से देखने में एक चौकोर कमरा नुमा इमारत दिखाई देती है, जिस पर काला लिहाफ चढ़ा हुआ रहता है। इसके चारों तरफ मस्जिद बनी हुई है, जिसमें हज के लिए आने वाले मुस्लिम जायरीन अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं। मक्का में पैगंबर साहब के चरण चिन्ह भी मौजूद हैं। इन्हें भक्तों के दर्शनार्थ रखा गया है। सभी वहां पर जाकर इनके दर्शन कर अपने आप को धन्य समझते हैं। इसके अतिरिक्त मक्का में एक काले रंग का पत्थर भी है, जिसे मुस्लिम लोग चूमते हैं तथा मन्नत मांगते हैं। मक्का में ही एक कुआं भी है, जिसका पानी कभी नहीं सूखता। जायरीनों के लिए 24 घंटे इस कुएं से पानी निकाला जाता है। इस पानी को पवित्र मानकर इसे विभिन्न उपयोग में लाया जाता है। कुएं के पानी को जमजम का पानी कहा जाता है। दोस्तों, आज से कुछ सालों पहले मक्का कुछ ऐसा दिखता था। वहां तब काले लिहाफ से ढका चौकोर कमरा नहीं हुआ करता था, बरन खुला हुआ एक स्थान था जहां सभी अल्लाह की इबादत करते थे। आपको बता दें कि मक्का मदीना में कोई भी गैर मुस्लिम प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि यहां प्रवेश करने के लिए एक बुनियादी शर्त है, और वो ये है कि जो शख्स पूरे मन से अल्लाह को मानता हो और जो इस्लाम धर्म को मानता हो, वही यहाँ प्रवेश कर सकता है। यहाँ पर प्रवेश करने से पहले उसे इस्लाम धर्म को स्वीकार करना पड़ता है, तभी इसके अंदर जाने दिया जाता है। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी कि मक्का मदीना में गैर मुसलमानों का जाना निषेध क्यों है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।